आज शहरों में एक ट्रेंड बन चुका है। तुसी किसे गुरुद्वारे जाओ, सैकड़े कुर्सियां लगियां ने, पिछे चंगे भले लोग जिन्हां दियां लत्तां कायम ने, नचना होवे ते तीन तीन घंटे नच लैंदे आ, गुरुद्वारे आके कुर्सियां ते बैंदे आ। मैं बेनती करांगा, गुरु की खुशी बिलकुल नहीं मिलेगी। उन्हां नूं हैंडीकैप होण दा शौक है, ये शौक है साडियां लत्तां टुटियां। वेखो वेखी चर्च की तर्ज के उ गुरु घर एक एक दो दो कुर्सियां आईया, फिर वादियां गई। कई गुरु घर ऐसे ने जिथे दस दस भी पंजाह पंजाह कुर्सियां पईयां ने। की गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह दे मौके कुर्सियां लगदियां होणगियां? की गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दे समय कुर्सियां लगदियां होणगियां? ए कुरीति है, मैनू आउंदे साल भावें बुलाओ जां ना बुलाओ, पर ए मनमत दे, ए गुरमत नहीं, गुरु दा बुलाना है। ए कहिंदा होए अकत्तर मिलो मेरे भाई, हर नामे के होवो जोड़ी, गुरमत पैसो सभा विछाए, जिन्हू कुर्सी डाय लभ के बिठा दे, मैं माफी मंग के जावांगा। कुर्सी डाय किथे लिखिया है? कुर्सी रखा खोटे रस वाली, एदा एक भी पावा टूट गया, मन के परने डिग पवांगे, लेकिन सब दा पावा नहीं। अकाल तख्त साहब दा हुकमनामा, हुकमनामा की कहिंदा है? गुरु की हजूरी के दरबार के अंदर कुर्सी मेज गद्दी गद्दा सोफा यह सारा कुछ नहीं लग सकता। तो आप अकाल तख्त साहब के हुकमनामे नूं मानदे हां संगत जी? जे मानदे हां ते फिर आपां इन्हां कटाइयां तों बचना है। गुरु ग्रंथ सच्चे पातशाह दे अगे रब दा वास्ता, जे कुर्सियां दा अगे ना बिहा करो, मारे जावांगे, जितने फटे ते पैणा लड़ियां ना तो सिद्धियां आउणगियां।